नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगा। देखिए, एजुकेशन लोन का नाम सुनते ही हमें दिमाग में आता है यार ये हायर एजुकेशन के लिए है, मतलब कोई कॉलेज में MBBS इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है या RTTech या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है। पर्पज़ यही है कि बेसिकली बैंक ये समझता है कि भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई की वजह से आपको नौकरी मिलेगी या आप कोई बिजनेस करोगे तो उससे रीपेमेंट होगा, तो एजुकेशन भी रहता है कि हर किसी को एजुकेशन मिले। टाइप ऑफ लोन, इसमें जनरली टर्म लोन दिया जाता है, मतलब आपको हर मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होता है अपना कोर्स कम्प्लीट होने के 12 महीने बाद या जॉब लगने के 6 महीने बाद। सीधा टर्म लोन में जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट टाइप का होता है। एलिजिबल कोर्स, जैसा मैंने इनिशियली कहा था, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स और अच्छे कॉलेज का कोर्स से आपको मिल सकता है। नर्सिंग के लिए मिल सकता है, आर्किटेक्ट मिल सकता है, इंजीनियर मिल सकता है, डॉक्टर मिल सकते हैं, बिजनेस MBA टाइप के कोर्स हो गए, IIMs में, उन सब कोर्स के ये आप एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर एजुकेशन लोन के अंदर आपको को एप्लीकेंट बनाना पड़ता है, या तो आपके पिताजी आपके साथ को एप्लीकेंट बनेंगे या मदर जी। कई बैंक आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं माँ बाप का, और कई बैंक नहीं मांगते। लेकिन एक बात का आप इंश्योर कर लें कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जिसको भी आप को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं उसका पैन कार्ड आपने इश्यू करवा के रखा हो। नहीं करवा रखा हो तो ई मित्र पर जाकर आज ही इश्यू करवा लें, 10 दिन के अंदर पैन कार्ड घर पर आ जाता है। सिविल स्कोर आपका भी अच्छा होना चाहिए, आपके जिसको भी आप को एप्लीकेंट बना रहे हैं माता पिता में उसका सिविल स्कोर अच्छा हो। हो सकता है कि आपके पिताजी का सिविल स्कोर खराब हो, तो इस केस में आप अपनी मदर को एप्लीकेंट बनाएं ताकि आपकी फाइल क्लियर हो सके। अगर यदि दोनों का ही सिविल स्कोर खराब है तो मुझे दुख के साथ कहना होगा कि आपको शायद एजुकेशन लोन ना मिल पाए। क्वांटम ऑफ लोन, ये मैंने सिंपल एजुकेशन लोन जो SBI देता है मैंने उसके लिए जिक्र किया है कि इंडिया में 10 लाख तक का लोन मिलता है, एब्रॉड में इंडिया में मेडिकल के लिए 30 लाख और एब्रॉड जाने के लिए 7.5 लाख। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी स्कीम्स भी हैं, जैसे स्कॉलर लोन है, वहाँ पर आपको IIM वगैरह के लिए 40-50 लाख तक का लोन मिल जाता है। एब्रॉड जाने के लिए ग्लोबल एडवांटेज नाम की एक स्कीम है SBI की, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको करोड़ों तक का लोन मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी रखनी होती है। ये मैंने बेसिकली SBI एजुकेशन लोन जो वैनिला स्कीम है SBI की उसको लेकर मैंने बताया हुआ है। देखो, एक्सपेंसेस की बात यह है कि अब आपके दिमाग में आता है यार क्या क्या एक्सपेंस कवर होंगे। फीस तो चलो कवर हो ही जाएगी। देखो, हॉस्टल फीस भी बैंक कवर कर लेता है, कंप्यूटर की फीस भी बैंक कवर कर लेता है, बुक्स की फीस भी बैंक कवर कर लेता है, और कोई अगर यदि आपको एजुकेशनल टूर एब्रॉड या कहीं इंडिया में ही जाना हो उसके एक्सपेंस भी बैंक कवर कर लेता है। और कई बैंकों ने तो बाइक, जैसे अगर यदि मोटर व्हीकल की आपको ज़रूरत पड़ती है, बाइक 2-व्हीलर, उसको भी वो बैंक इसमें कवर कर लेता है। मार्जिन ये होता है कि मान के चलो आपकी फीस है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख के केस में क्या होगा, 5% फी मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक आपको 4,75,000 का फाइनेंस दे देगा, लेकिन 25,000 आपको अपने हैंड पर लाने पड़ेंगे। इसमें देखो, लोन अमाउंट अगर 4 लाख से कम है तो कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है, जितनी फीस और जितना एक्सपेंस आप करोगे बैंक डायरेक्टली पेमेंट करेगा। 4 लाख से वो 5%, और अगर आप बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 लाख के वो 15% आपको मार्जिन खुद का रखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, लेकिन अगर आप 20 लाख से ज़्यादा लेते हैं तो 10,000 प्लस GST आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने SBI की वेबसाइट से निकाला है, लेटेस्ट जो कि मार्च 2023 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 7.5, सभी लोनों में EBLR प्लस 2% का स्प्रेड है, तो मतलब 11.15% पे आपको SBI से एजुकेशन लोन मिल सकता है 2023 में। कंसेशन के लिए क्या है कि अगर यदि कोई बच्ची है, कोई गर्ल चाइल्ड है, तो उस पर 0.5% इंटरेस्ट रेट का कंसेशन मिल जाता है, और कुछ स्टूडेंट जो ऋण रक्षा अप्लाई कर रहे हैं उसको भी 0.5% का कंसेशन मिल जाता है। अगर बात करी जाए, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है, अगर आप तो आप ऋण रक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तो 1% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, मतलब 10.15 रेट पर आपको एजुकेशन लोन अप्रैल 2023 के अंदर मिल जाएगा। सारी रेट फ्लोटिंग रहती है। सिक्योरिटी 7.5 लाख तक आपको किसी भी एजुकेशन लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, लेकिन अगर 7.5 लाख से ऊपर का आप लोन ले रहे हैं तो बैंक कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोलैटरल आपसे गिरवी रखाएगा,
और उसकी जो वैल्यू होगी वो टोटल लैंड अमाउंट से लोन अमाउंट से ज़्यादा हो, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हमारी कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्टिंग फिनसर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि लोन कंसल्टेंसी का काम करती है। अगर आपको बिजनेस लोन या पर्सनल लोन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हम सारा प्रोसेस डिजिटली करते हैं, हमारा हर बैंक के साथ टाइप है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम आपकी लोन की फाइल उस बैंक में लगाते हैं और आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम से कम प्रोसेसिंग फीस पर आपका लोन प्रोसेस होता है। पिछले कई सालों से हजारों लोगों ने हमारे द्वारा लोन लिया है जो काफ़ी खुश हैं। अब रेट इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करूं, कई बार आपने देखा होगा कि एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। देखिए उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है, लोन अमाउंट 7.5 लाख से कम है, तो जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है। मॉरेटोरियम पीरियड हो गया आपकी स्टडी पीरियड जो होता है उसके दौरान आपको कोई भी ब्याज ना तो देना है और ना लगेगा, क्योंकि वो सब्सिडी में कवर हो जाता है। जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाएं तो कृपया करके इस चीज़ को जरूर पूछें ब्रांच मैनेजर से कि वो सब्सिडी किस तरीके से अवेल होगी। देखो अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडमिशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी, मतलब जो भी आपके पूरे कोर्स में जितनी भी स्टडी कॉस्ट आएगी वो आपको एक प्रोफॉर्मा देना है, एकेडमिक रिकॉर्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको बैंक में देनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी अगर बैंक चाहे तो कुछ और डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है। पेरेंट्स में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, कई बैंक मांगते हैं कई बैंक नहीं मांगते, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या बिजनेस प्रूफ कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। इससे आपके बच्चे के एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन बैंक फिर भी एक तरीके के लिए आश्वस्त होना चाहता है कि आपकी नेटवर्थ है। स्टाम्प ड्यूटी, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको देनी है। हर स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, दिल्ली में 100 रुपये पर ही एग्रीमेंट हो जाता है, राजस्थान में 0.2% लोन एग्रीमेंट की फ़ीस लगती है। देखो डिसबर्समेंट डायरेक्ट जब जब आप दोगे बैंक आपको नहीं देगा, डायरेक्ट वो कॉलेज को देगा, यानी कि कॉलेज को डायरेक्ट या तो NEFT RTGS हो जाएगा या आपको बैंकर चेक करा के मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो रीइंबर्समेंट में आती है जैसे स्टडी टूर, लैपटॉप खरीदना, बाइक खरीदना, हॉस्टल एक्सपेंस, वो सब आप जब भी आप उनको स्लिप दोगे बैंक में एक्सपेंसेस के उसके अकॉर्डिंगली आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा। रीपेमेंट स्टार्ट के लिए देखो जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 12 महीने बाद या फिर पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब आपको जॉब मिलती है तो 6 महीने के बाद आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना पड़ता है बैंक। मैक्सिमम रीपेमेंट टाइम आपको 15 साल का मिलता है, 15 साल का पीरियड टाइम मिलता है स्टडी ख़त्म होने के बाद। मतलब अगर आपका 5 साल का MBBS है तो 5 साल के बाद आपको 15 साल का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल 20 साल के अंदर आपको लोन रीपेमेंट करना रहेगा। NPA अकाउंट आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, मान के चलिए आपका जो मॉरेटोरियम पीरियड चलेगा उसमें अगर उसमें आपको EMI रेगुलरली पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट रेगुलरली पेमेंट करना है। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते रेगुलरली तो 90 दिन में आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खुद पहले पता कर ले भाई EMI कितनी जानी है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। इंडिया में अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आपको सिर्फ विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। मतलब एकमात्र चीज़ है कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल, अगर कोई भी बैंक डायरेक्टली आपकी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन नहीं लेगा, विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही लेगा। मैंने डेमो वीडियो भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपनी एंट्री करनी है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए कोर्स के दौरान कोर्स के बाद तो एटलीस्ट माँ बाप पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बैंक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा वसूल कर ले। कई लोग हिचकिचाते हैं लेकिन हजारों में 2-3 केस ऐसे हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है लेकिन करवा के रखो, क्योंकि बहुत मेरे पास काफ़ी कॉल आते रहते हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस करवाना है।
अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप SBI की वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ये तीन वेबसाइटें मैंने SBI की दी हुई हैं, इन वेबसाइटों पे जाके आप और पूरी तरह विस्तृत जानकारी ले सकते हो। बाकी मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं एजुकेशन लोन पे, जो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ ना ऐसे कनेक्टर भी जोड़ सकते हो। अगर आप कोई लोन की फाइल, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की फाइल हमें देते हैं और वो लोन डिसबर्स हो जाता है, तो हम आपको 1% कमीशन उसके ऊपर देते हैं। मतलब अगर 10 लाख का पर्सनल लोन किसी ने लिया जिसकी फाइल आपने रेफर करी, डिसबर्स हो गया, तो 10,000 का कमीशन हम अगले दिन ही आपको दे देंगे। आज की डेट में सैकड़ों लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टर जुड़े हुए हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हल्का फुल्का दिन में 1 घंटे काम करके बस आप पैसा कमा सकते हो। बस लोन की फाइल अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की हमें देनी है। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।